हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 11 जुलाई 2021 और 11 जुलाई यानी आज संडे है। तो आज हम पिछले 6 दिनों में बीते जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम केवल उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम भी उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो पिछले 6 से 7 दिनों में हमारे 25 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए तथा आप सभी के सभी वीडियो को देख पाएं। हमारे यहाँ चैनल पर सुबह में प्रत्येक दिन करेंट अफेयर्स एनालिसिस किया जाता है 6 दिनों तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक तथा प्रत्येक मंडे संडे को। पिछले बीते 6 दिनों में जितने भी घटना हुआ है, मतलब जितना भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन यहाँ पर डील किए जाते हैं केवल संडे को। उसके अलावे प्रत्येक दिन शाम को मिसलेनियस जीके के रूप में 20 क्वेश्चन डाला जाता है तथा बाकी बचे स्टैटिक जीके या कोई भी पॉइंट लेकर डिस्कस किया जाता है। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाइए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बीच आपको 5 सेकंड का फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा, यानी प्रत्येक 5 सेकंड में आपको अपने आप में उत्तर का पता लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको 5 सेकंड के बाद उत्तर बताऊंगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में शपथ लिए हैं मुकुल गोयल जी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जयपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। तो हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जुनोज दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड जुनोज डे 6 जुलाई को मनाया गया है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले छठे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के नए लोक आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी के एन भट्टाचार्य को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगले सातवें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेर्स्टैपेन। मैक्स वेर्स्टैपेन ने फॉर्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड हाल ही में जीता है। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में 10 मीटर ब्रीजिंग सिस्टम शामिल हुआ है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि डीआरडीओ।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मानव रहित वाहनों यानी ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो इसका सही जवाब है आठ राज्यों के राज्यपाल। इसका ऑप्शन यानी ए हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी AIFFI का 52वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गोवा में। गोवा में हाल ही में यानी शायद नवंबर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा COVID-19 वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट COVID-19 वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है इन चारों लिस्ट में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एन वेणुधर रेड्डी ने। एन वेणुधर रेड्डी ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के MD यानी महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी हाल ही में प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कौशिक बसु को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री यानी इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी को हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन की ओर। आज का 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स द्वारा भारत के GDP विकास दर FY 2022 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 10%। हाल ही में फिच रेटिंग्स द्वारा भारत का GDP 10% फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए अनुमान लगाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी दिलीप कुमार।
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर यानी इनको स्टार एक्टर के रूप में जाना जाता था दिलीप कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कोरियन एयर। हाल ही में कोरियन एयर ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम खोला गया है? तो हाल ही में बेंगलुरु स्टेशन के पास यानी बेंगलुरु स्टेशन में भारत का पहला मीठा पानी जल का सुरंग एक्वेरियम खोला गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने बुलेटिन नामक न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि फेसबुक। फेसबुक के द्वारा हाल ही में न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन का लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक की प्रकाशित की गई है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि जयराम रमेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में स्पर्श प्रणाली लागू की है। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि चीन। चीन ने अपनी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मोदी कैबिनेट के द्वारा जो विस्तार किया गया है अपने कैबिनेट को, इसमें नए 43 मंत्री बने हैं, उसमें नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा है। तथा आप हमारे द्वारा दिए गए सभी डेज के क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन डेज का रहता है, उससे आप सीरियल वाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक महीने का डेज आपको ध्यान में रहे तथा आपके जुबान पर है, आप हमको हमेशा याद रहे। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है हमारा नेक्स्ट इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल पर एकदम नए हैं तो जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करके हमारे सारे के सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तथा एक साथ आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।